हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दालचीनी। ये जी हाँ, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है दालचीनी का पौधा। और दालचीनी के औषधीय उपयोग तो वैसे आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी को खांसी हो रही है तो खांसी में इसकी जो छाल है उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ के आप उसको मुंह में रख के चूसिए उसको, उससे आपकी खांसी को बंद कर देता है, खांसी को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा बात करते हैं, ये डायबिटीज़ में इसकी छाल को पानी में भिगोकर या पानी में थोड़ी सी छाल को उबाल कर वो पानी अगर आप डेली पीते हैं तो आपकी डायबिटीज़ में भी आपको ये रिलीफ देगा। इसके अलावा मोटापा कम करने के लिए आप दालचीनी का एक टुकड़ा लीजिए, उसे आप रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उस पानी को छानकर आप पी लेते हैं, तो ये आपके मोटापा कम करने में बहुत ही रामबाण तरीके से काम करता है। और दालचीनी को एंटी कैंसर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दालचीनी एक हमारे किचन का केवल मसाला नहीं, बल्कि ये एक आयुर्वेदिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि भी है। तो हम इसे सिर्फ मसाले के रूप में, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक दवा के रूप में भी हम इसका उपयोग करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये दालचीनी का कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं पूरी इसकी जानकारी इसमें वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। और इसी का एक सेकंड पार्ट और मैं बनाऊंगा दालचीनी पर, जिसमें इसके सारे और भी जो औषधीय प्रयोग हैं उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको उस अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इसका जो भी मैंने जानकारी दी है डायबिटीज़ के लिए और मोटापा कम करने के लिए और खांसी के लिए, इसके लिए आप इसका बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल निरापद औषधि है, इसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और खाने के स्वाद को तो अच्छा बनाता ही है। और सिर्फ खाने को नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा बना सकता है। तो आप इसका ये सिनेमम यानी कि दालचीनी के पौधे में सबसे आवश्यक बात यह है ध्यान रखने की कि इसको आप सेमी शेड में रखें अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो। और इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी में 30% आपका होना चाहिए काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो। और बाकी का 50% आप इसमें जो आपकी जो नॉर्मल जो गार्डन सोइल होती है या खेत की जो मिट्टी होती है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और 20% आप इसमें रेत यानी कि सैंड मिक्स कर लीजिए। इन तीनों का सोयल मिक्सचर बना लीजिए, सोयल मीडिया आपका अच्छा होगा। तो आपका अगर आप इसमें रेत मिलाएंगे तो उससे रेत से होगा ये कि आपका ड्रेनेज सिस्टम इसका पानी का अच्छा बना रहेगा आपके गमले में। और कोशिश कीजिए कि आप अगर दालचीनी का अगर गमले में लगा रहे हैं तो उसके लिए आपका गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा पेड़ बनता है। अगर गमले में लगा रहे हैं तो गमले में तो बड़ा पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन पे लगाते हैं तो ये बड़ा पेड़ बनता है, जैसे कि नीम की तरह से ये बड़ा पेड़ बनता है, फैलता है। जब ये इसका ये ट्रंक है ये मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद में ये जो हड्डी वुड हो जाने के बाद में इसके जो तने की जो छाल होती है उसे हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं इसके पत्तों की पहचान, आपको समझ में आ ही गई है। इसके पत्ते गोल होते हैं और उसके पत्ते लंबे होते हैं। अब हम तेज पत्ते की जगह दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं और दालचीनी की जगह तेज पत्ते का उपयोग किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे दोनों को यूज किया जा सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पत्ते गोल होते हैं और उसके पत्ते लंबे होते हैं, सिर्फ यही इसमें फर्क है। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, खुशबू भी दोनों की लगभग सेम ही होती है, और दोनों ही औषधि के रूप में भी काम में आते हैं और मसाले के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सब्जी के रूप में, और नॉन वेजिटेरियन है फिर भी आप उसमें मसाले के रूप में इसका हर तरह से किसी न किसी तरह उपयोग करते ही हैं। तो